नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रा मार्ग पर वाइस चांसलर हाउस के बाहर। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर एक प्रोटेस्ट चल रहा था टीचर्स के द्वारा, दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के द्वारा। उसमें फिज़िकल एजुकेशन के टीचर्स की रिटायरमेंट की जो जल्दी जिस एज में वो रिटायरमेंट हुई थी उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट था। वो प्रोटेस्ट इस समय भूख हड़ताल में बदल चुका है, हंगर स्ट्राइक में बदल चुका है। आइए उसी पर बात करते हैं डॉक्टर विवेक चौधरी जी से कि सर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि सर ये प्रोटेस्ट जो था, साइलेंट प्रोटेस्ट जो आप लोग कर रहे थे, वो हंगर स्ट्राइक में बदलना। देखिए, हम काफ़ी समय से स्ट्राइक पे थे, धरने पे बैठे हुए थे, लेकिन हमारी बातों का कोई वाइस चांसलर साहब पे असर नहीं हो रहा था। यूनिवर्सिटी कोई चार कदम चलने के लिए तैयार नहीं थी और स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई थी। तो इंटेंसीफाई करने के लिए अपने आंदोलन को हमने ये स्टेप किया कि हम क्रामिक भूख हड़ताल पर, रिले हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे और इसके अलावा काले झंडे दिखाएंगे यूनिवर्सिटी फाउंडेशन डे पे, और वो हमने किया। तो उसी सिलसिले में क्रामिक भूख हड़ताल जारी है हमारी। सर, आपका अगर इसके बावजूद अगर वाइस चांसलर या दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई प्रशासन नहीं जागता है तो इसके बाद आपके क्या कदम होंगे, किस तरीके से आप अपनी बात प्रशासन तक पहुँचाएंगे? देखिए, हम इसको और ज़्यादा इंटेंसीफाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपनी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग बुलानी पड़ेगी जिसमें क्या क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं और उन पर विचार किया जाएगा। और मैं आपको बताऊं, एग्ज़ाम बायकॉट भी एक विचार है जो समस्त शिक्षण गणों की तरफ से आगे आ रहा है, और एग्जीक्यूटिव में इस पर एग्ज़ाम बायकॉट पर भी विचार हो सकता है। सर, क्या कोई छोटी सी भी मीटिंग आप लोगों के एसोसिएशन के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने अब तक करी, या फिर वाइस चांसलर ने कोई कोशिश करी आपकी समस्याओं को जानने के लिए? जी नहीं, हमारी कोई बातचीत दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन से नहीं हो रही है, ना ही वो हमें समय दे रहे हैं और ना ही हमसे बात करना चाहते हैं। हमने आज उनसे, वाइस चांसलर साहब से फ़ोन पर बात की, एक डेढ़ घंटा बात हुई है, लेकिन कोई कंक्रीट उससे परिणाम निकल के सामने नहीं आया। वो बातों को ज्यों की त्यों रखे हुए हैं जैसे कि 20 दिन पहले थी बातें। सर, आपकी और ज़्यादा कोशिशें क्या होंगी कि जिस तरीके से आपकी बात जो है आगे तक पहुँचे? देखिए, हम कल कॉलेज में भी गए थे, वहाँ स्टाफ एसोसिएशन के बुलावे पे हम गए थे, वहाँ की स्टाफ एसोसिएशन ने भी स्ट्राइक कर दी है प्रिंसिपल के खिलाफ, और वो चाहते हैं कि जो मीरा जी को जो है वो 65 तक जारी रख दिया जाए उनकी सर्विसेज को। और हम मिले वहाँ पे प्रिंसिपल हिना जी से भी मिले थे, और 2.5-3 घंटे हमारी उनसे बात भी हुई है, लेकिन वो अपने स्टांस पे आने को तैयार नहीं है। और जब उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बड़ा ही अजीबोगरीब जवाब दिया कि मैं यूनिवर्सिटी को और UGC को कई चिट्ठियाँ लिख चुकी हूँ कि DP की रिटायरमेंट एज बताई जाए। हमने कहा, आप तो उनको एसोसिएट प्रोफेसर कहती हैं। कि हाँ, एसोसिएट प्रोफेसर हैं। तो मैंने कहा, फिर आप DP क्यों लिख रहे हैं? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन वो कहती रही कि मैं UGC और यूनिवर्सिटी को लिख रही हूँ कि रिटायरमेंट एज बताई जाए DPs की, लेकिन यूनिवर्सिटी और UGC इस बारे में कोई जवाब नहीं दे रही हैं। वो जवाब नहीं दे रही थी, तो इसलिए मैंने फिर जो है ना इस पर कानूनी राय ली, और कानूनी राय से निकल के आया कि इनको रिटायर कर देना चाहिए। मैंने कहा, अगर यूनिवर्सिटी जवाब नहीं दे रही है तो आप इनको कंटिन्यू करिए और कहिए कि जब तक यूनिवर्सिटी का जवाब नहीं आता है आप कंटिन्यू करेंगे, अगर यूनिवर्सिटी का जवाब ना में आ जाता है तो आप ये छोड़ देंगे, और नहीं अगर यस में आता है तो ये कंटिन्यू करेंगे। लेकिन वो तो इनको निकालने पे आमदा थी, और उनके पास कोई अपनी बातों का ही जस्टिफिकेशन नहीं था। और जब उन्हें ये याद दिलाया गया कि आपने जो इनको रिटायरमेंट का लेटर दिया है उसमें आपने लिखा है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्निंग बॉडी, मैं जो है कानूनी राय ले रही हूँ, लेकिन यहाँ पे आपने गवर्निंग बॉडी के मिनट्स में तो कहीं इस बात का जिक्र नहीं है, और नो गवर्निंग बॉडी के मेंबर इंक्लूडिंग ट्रेजरर चेयरमैन ये पहले ही कह चुके हैं कि आप सब झूठ बोल रहे हैं, तो फिर आप किस चीज़ को बेस बना के लिख रही हैं? तो उनके पास कोई संतुष्टि वाला जवाब नहीं था, और बार बार वो ट्रैक कर रही थी। बस वो अडामेंट थी कि मुझे तो इनको रिटायर करना है, जिसमें यूनिवर्सिटी की राय नहीं है, UGC की राय नहीं है। आप चाहें तो मेरी जेब में वो लेटर है, मैं आपको वो दिखा सकता हूँ। और यूनिवर्सिटी जवाब नहीं दे रही है, यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स का ये कहना है कि एक बात के लिए हम कितनी बार जवाब दें, हम पहले ही कह चुके हैं कि रिटायरमेंट एज 65 है, तो उसमें नई बात क्या है कि हम किस बात का जवाब दें? UGC भी जवाब नहीं दे रही है, तो इसलिए नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने मान लिया कि इनको निकाल दिया। सर, कोई अभी तक ठोस कारण जिसकी वजह से रैंडमली आपने कहा कि
टीचर्स को 62 की एज पे रिटायर किया जा रहा है, कोई ऐसा सॉलिड रीज़न? एक भी सॉलिड रीज़न नहीं है। मैं आपको लेटर दिखा देता हूँ कि कोई सॉलिड रीज़न नहीं है। वो वन फाइन डे इनको एसोसिएट प्रोफेसर कहते कहते जिस दिन निकालने की बात आई तो इनको डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन कहने लगी, जबकि ऑन रिकॉर्ड्स 1990 के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन नहीं है। सब लेक्चरर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन। सर, कोई ऐसी वजह अब तक सामने निकल के आएगी जिसके चलते उन दो टीचर्स को कॉलेज के प्रिंसिपल्स के द्वारा ऐसे लेटर दिए जाते हैं, ऐसे फरमान जारी? कोई वजह नहीं है सिवाय इसके कि मैडम जो है वो सीनियर मोस्ट थी मीरा जी वहाँ पे, और इनके पॉइंट्स भी पूरे थे, और ये उनको प्रिंसिपल के कैंडिडेट के तौर पे चुनौती देती, और इनका प्रिंसिपल सीनियरिटी के बेस पे बनना तय था, और उनको रस्ते से हटाने के लिए उस प्रिंसिपल ने ये काम किया है। इट इज़ ऑन रिकॉर्ड कि ये उनसे सीनियर हैं कॉलेज में, और इनके पॉइंट्स भी पूरे हैं जो प्रिंसिपल बनने के लिए होने चाहिए, और ये ऑफिशिएट भी कर चुकी हैं वहाँ पर, तो वो इनको अपना प्रतिद्वंदी मानती थी और इसलिए उन्होंने इसको बाहर कर दिया। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसे ठोस कारण नहीं है, कोई ऐसे ठोस सबूत नहीं है कि जिनके चलते उन दो टीचर्स को 62 की एज पर रिटायर किया गया। एक कारण जो सामने निकल के आता है वो ये है कि उन टीचर्स की जो एज थी वो प्रिंसिपल बनने के पास आ चुकी थी, और उनके पास इतने पॉइंट्स थे कि वो टीचर बने, प्रिंसिपल बने, माफ़ कीजिएगा। और कहीं ना कहीं एक ऐसी चाल चली गई, एक तुकलगी फरमान जारी किया गया जो कि अब तक DU के प्रशासन को भी नहीं समझ आया, और कहीं ना कहीं डूटा को भी नहीं समझ आ पाया है कि ये ऐसा हुआ कैसे। और उसी के लिए ये प्रोटेस्ट जो है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि VC हाउस के बाहर ये पिछले लगभग 9-10 दिन से चल रहा है, और अब ये रिले हंगर स्ट्राइक में बदल चुका है कि, और आप मेरे सामने देख सकते हैं कि आज रात के लिए नाम लिखे हैं कि कौन से 6 टीचर्स जो हैं रिले हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे, और इस रिले हंगर स्ट्राइक में आगे कितने टीचर्स साथ देते हैं, और एसोसिएशन से और पूरी यूनिवर्सिटी से कितने टीचर्स सामने निकल के आते हैं अपनी पूरी एसोसिएशन का साथ देने के लिए। क्यों ऐसे बार बार ऐसी कुछ कार्रवाई की जाती है कि जिससे टीचर्स को सड़क पर उतरना पड़ता है, मजबूरन ऐसा क्यों किया जाता है कि प्रशासन इनको अनदेखा करता है, वाइस चांसलर इनसे मिलने का समय नहीं निकाल पाते हैं, कोई मीटिंग नहीं करते हैं, और ऐसे तुगलकी फरमान कब तक जारी होंगे, ये जानने के लिए आगे के अपडेट हम आपको देते रहेंगे कि ये हंगर स्ट्राइक, ये रियल हंगर स्ट्राइक कब तक चलती है और इसका क्या परिणाम निकलेगा वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए डेमोक्रेसी न्यूज़। धन्यवाद।